ठीक है, फिर अगेन पुनः आपका जो है मेरे चैनल ताराकांत पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, जितने दर्शक हैं, जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं, एट क्लास के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में और सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पहले वीडियो आप में मैंने कुछ बताया आपको साइंस के बारे में, ये सेकेंड वीडियो आ गया आज, सेकेंड वीडियो है। और सेकेंड वीडियो किस तारीख का है, ये 26 मार्च 2018 का सेकेंड वीडियो है, इससे रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, राइट। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं क्या हूं, मैंने साइंस से शुरू किया, मैंने साइंस पे ही पहले बताया आपको। तो साइंस किससे आया, साइंटिया से आया, और कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। अब हमने आपको मेनली तीन ब्रांचेस बताए हैं, अभी ज्यादा नहीं जानना यार, साइंस का तो भरमार है पूरा, लेकिन अभी अभी छोटी क्लास में बस इतना समझ लो कि साइंस को तीन पार्ट में बांट दिया गया, किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। और ये तीनों चीजें आपको एक ही बुक में दी गई हैं। अच्छा, आप क्या करो, आप एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी खरीद लो, एक आध बुक और ले सकते हैं आप होली फेथ की ले सकते हैं, होली फेथ की भी साइंस बहुत अच्छी होती है, होली फेथ पब्लिकेशन, होली फेथ पब्लिकेशन, या यस चांद की भी ले सकते हैं, यस चांद पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं आप बुक। क्या करने के लिए आपको, क्या करने के लिए आपको, आपको डिटेल स्टडी करने के लिए, अगर आपको और ज्यादा जानकारी लेनी है, कहने का मतलब एनसीईआरटी तो सफिशियंट है, ठीक है, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आपको और पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक आती है होली फेथ पब्लिकेशन, एक है होली फेथ पब्लिकेशन, एबीसी पब्लिकेशन भी इसको बोलते हैं, एबीसी, ठीक है, ये बहुत अच्छी, इस पब्लिकेशन की बुक्स जो होती है बहुत अच्छी होती हैं। और एक अगर और लेना चाहे इजी लैंग्वेज में है, ये जो दूसरी बुक है ये बहुत इजी भाषा में है, इजी लैंग्वेज में है, ये कौन सी, यश चांद की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो आप इन दो बुक और रख सकते हैं आप, और एनसीईआरटी तो आपको रखना ही है, ठीक है, पहले आप क्या है, पहले आप समझो। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं आगे, अब मैंने क्या बताया, फिजिक्स बताया, राइट, केमिस्ट्री बताया, बायोलॉजी बताया। अब फिजिक्स के हम क्या करें, हम फादर देख लेते हैं, फिजिक्स के फादर कौन, देखो पहले फादर जान लेते हैं ना, शुरुआत किसने की, भाई आपके भी फादर होंगे ना, और आपके फादर के भी फादर होंगे, और आपके फादर के फादर के फादर होंगे, है नहीं, तो ऐसे क्या होता, हर आदमी क्या होता, हर कोई भी किसी का फादर होता है, कैसे, मतलब फिजिक्स लेके सबसे पहले आया कौन, फिजिक्स पहले लेके सबसे पहले कौन आया पूरी दुनिया में, फिजिक्स कौन लेके आया, ठीक है, ये प्रश्न उठता है, ठीक। अच्छा, फिर उठता है कि केमिस्ट्री लेके सबसे पहले कौन आया, है कि नहीं, केमिस्ट्री लेके सबसे पहले कौन आया, और क्या, बायोलॉजी लेके सबसे पहले कौन आया, ठीक है। अच्छा, अब एक ही चीज करके हम आपको बताएंगे, फिजिक्स पे आ जाते हैं, फिजिक्स के एक तरह से फादर जो हैं ये गैलीलियो, गैलीलियो को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, गैलीलियो को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, और फिजिक्स के फादर, साइंस फादर ऑफ साइंस अगर किसी कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ साइंस, साइंस के फादर कौन है, फादर मतलब पापा, साइंस के पापा कौन है, ऐसे समझ लो, साइंस के पापा कौन है, तो साइंस के पापा हैं कौन, गैलीलियो समझ लो, टेलीस्कोप की खोज इसी ने, इन्होंने की थी, टेलीस्कोप को इन्वेंट इन्होंने किया था। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर चलता है, मूव करता है, तो उसके लिए इक्वेशन बनाया गया है, आप 9 क्लास में पढ़ेंगे, तो उसकी खोज भी किसने की थी, गैलीलियो गैलीली ने ही की थी। और गैलीलियो गैलीली के बारे में कहा जाता है, इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कि जो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशन का लॉ है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट क्या करती है, कोई भी चीज अगर आप गिरती हो ऊपर से, कहां आती है, नीचे आती है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है अर्थ में,
एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कहा ऐसा जाता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में सबसे पहले दिमाग में गैलीलियो गैलीली के बारे के दिमाग में आई थी बात, सबसे पहले गैलीलियो के दिमाग में ही बात आई थी। और कहा जाता है ऐसा कि उस समय रॉयल सोसाइटी के चेयरमैन जो फिजिक्स के जनरल्स, फिजिक्स की जो खोज थी वो जो एक जनरल होते थे, जनरल्स पत्रिकाएं होती थी, पत्रिकाओं में खोज छपती थी, तो उस समय रॉयल सोसाइटी के चेयरमैन कौन थे? उस समय रॉयल सोसाइटी के चेयरमैन कौन थे? न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन थे। तो सर आइजैक न्यूटन को इन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा कहा जाता, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अभी इस पर चल रहा है विचार, क्योंकि न्यूटन पर यह क्या लग रहा है, न्यूटन पर आरोप लग रहा है कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने खोजा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोजा किसने, ये ऐसा कहा जाता है। अभी हमें लगता है कि 4-6 साल पहले न्यूज़पेपर में आया था, मैंने पढ़ा था कि उसमें न्यूटन पे आरोप लग रहा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को गैलीलियो ने खोजा था, और उसको अपनी मतलब रॉयल सोसाइटी ऑफ चेयरमैन, रॉयल सोसाइटी जो थी ब्रिटेन में वो क्या थी, ये साइंस की फिजिक्स की एक सोसाइटी थी बनाई गई थी, उसमें फिजिक्स के सभी साइंटिस्ट क्या रहते उसमें मेंबर होते थे, तो उसके चेयरमैन कौन थे, सर आइजैक न्यूटन थे। तो सर आइजैक न्यूटन को गैलीलियो ने अपनी खोज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया पत्रिका में छापने के लिए, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि उसी बीच गैलीलियो की मृत्यु हो गई, गैलीलियो की क्या हो गई, डेथ हो गई, और गैलीलियो की डेथ हो गई तो कहा जाता है कि न्यूटन ने चुपके से अपने नाम से उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपने नाम से छाप दिया। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सॉरी मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात उठी थी इसलिए मैं इंटरेस्टिंग आपको बता दे रहा हूं। गैलीलियो का भी बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में है, लेकिन अब अगर फादर ऑफ, अगर साइंस की बात आती है तो फादर ऑफ साइंस कहीं कहीं गैलीलियो गैलीली ने कहा था, स्टीफन हॉकिंग और जितने भी अभी आधुनिक जितने वैज्ञानिक हैं वो गैलीलियो गैलीलियो को मानते हैं, क्या मानते हैं, फादर ऑफ साइंस मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं फादर ऑफ साइंस को अरिस्टोटल को भी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके किसके, फिजिक्स के फादर को मिटा देते हैं, अब हम आ जाते हैं किसके, फिजिक्स के फादर, फिजिक्स के कौन फादर हैं, ये आ जाता है। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। अब ये देखो फिजिक्स दो भाग में बांट दी गई, किसमें बांट दी गई, एक है ओल्ड फिजिक्स, क्या है, एक है ओल्ड फिजिक्स, एक क्या है, एक है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ओल्ड फिजिक्स का कहा जाता है फादर कौन थे, ओल्ड फिजिक्स के फादर कौन है, न्यूटन है, न्यूटन ना, फोर्स होता है, फोर्स को सबसे पहले बताया था किसने, बताया था न्यूटन ने, तो इन्हीं इसलिए फोर्स की, इसलिए फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी, या उसका क्या होगा, उसका शेप साइज बिगड़ जाएगा, जैसे रबर की गेंद है उसको अपने हाथ से दबाओ तो क्या होगा, क्या होता है, इट क्या होता है, डिफॉर्म्ड, उसका रूप बदल जाता है, बिगड़ जाता है रूप, लेकिन जैसे आप फोर्स क्या करते हो, रिमूव करते हो, फिर गेंद अपने साइज में आती है, इसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आपने खींचा तो उसका शेप क्या हुआ, उसका शेप बढ़ गया, फिर आपने क्या हुआ, फोर्स हटा लिया, क्या हुआ उसका शेप, फिर इनिशियल स्टेज में आ गई, लेकिन अगर आपने बहुत मैक्सिमम फोर्स लगा दिया, पकड़ के स्प्रिंग को खींच दिया, से फैला दिया, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब उसका रूप हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। तो फोर्स जो सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, इसीलिए उसकी यूनिट क्या है, फोर्स यूनिट क्या है, न्यूटन है, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो ओल्ड फिजिक्स थी, जो पुरानी फिजिक्स मानी जाती है, कहा जाता है कि पुरानी फिजिक्स के फादर कौन है, ओल्ड फिजिक्स के फादर कौन है, न्यूटन है। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है, इनकी बुक का नाम है प्रिंसिया, क्या नाम है, प्रिंसिया नाम है, प्रिंसिया, इनकी बुक का क्या नाम है, प्रिंसिया है, सॉरी प्रिंसिया, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो ऐसे कुछ, प्रिंसिया, इसकी न्यूटन की जो एक बहुत बड़ी बुक है उसका नाम है प्रिंसिया, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है प्रिंसिया का, इसका नाम है मैथमेटिसिया प्रिंसिया, मैथमेटिसिया, मैथमेटिसिया, मैथमेटिसिया क्या प्रिंसिया, ये किसकी बुक का नाम है, किसकी बुक का नाम है, ये न्यूटन की बुक का नाम है,
इस बुक में इन्होंने अपनी पूरी खोज का खोज के बारे में बताया है, ठीक है। अच्छा अब आ गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? न्यू फिजिक्स, जो नई वाली फिजिक्स है, जो अब की फिजिक्स है, इस समय की जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स के अब जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको, उसके फादर कौन है? तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? क्या आइंस्टाइन है? कौन है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन बोला ना, कुछ बच्चे आइंस्टीन पढ़ते हैं, गलत है, आइंस्टीन नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? आइंस्टाइन पढ़ते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था? आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है। किसमें मिला पूछ लेते हैं कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किसमें मिला है? तो आइंस्टाइन क्या थे? मॉडर्न फिजिक्स के, जो इस समय की जो फिजिक्स है उसके फादर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? फादर कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? आइंस्टाइन कहे जाते हैं, ठीक। कौन है? आइंस्टाइन जो है मॉडर्न फिजिक्स के फादर है। हमें लगता है आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, आपने नोट कर लिया होगा, ये पूछ लेते हैं कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस पे मिला था? आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज पे मिला था? तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक, ये बड़ी क्लास में जब आप ट्वेल्थ में जाओगे तो पढ़ोगे। बस अब इतना जान लो कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस पे मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, ठीक है। ये की खोज थी, बहुत बड़ी खोज थी, क्वांटम फिजिक्स की है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि फिजिक्स के फादर कौन है। तो फिजिक्स को दो भाग में बांट दिया गया, क्या? एक ओल्ड फिजिक्स, दूसरी न्यू फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन है। न्यू फिजिक्स के फादर कौन है? न्यू फिजिक्स फादर कौन है? आइंस्टाइन है, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री के फादर कौन है? ये इसके फादर, ये समझ लो, इसको बोलते हैं एंटोनियो लेवासिए। एंटोनियो क्या? लेवासिए, लेकिन आप साइलेंट हैं इसमें। एंटोनियो लेवासिए पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको? एंटोनियो लेवासिए, ठीक है। हिंदी में ऐसे इसलिए मैंने लिख दिया आपको, हिंदी में क्यों लिख दिया? आपको बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में क्या आसानी हो। तो केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटोनियो लेवासिए है। ये स्पेलिंग है एंटोनियो, ये क्या आई है? एंटोनियो लेवासिएर, एंटोनियो लेवासिएर। क्या पढ़ते क्या इसको? एंटोनियो लेवासिए। मुझे लगता है केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया फादर कौन है। मैं क्यों बता रहा हूँ सब कि इंटरेस्टिंग बातें हैं साइंस पे आने के पहले, सब चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जैसे बच्चों के सब जानकारी हो। मैं कोर्स पे आऊंगा और बहुत ही दमदारी ढंग से आऊंगा, बहुत ही जबरदस्त ढंग से शुरुआत करूंगा। आगाज जो होगा बहुत ही जबरदस्त होगा और आपको, आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर आप में इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको मजा आने लगेगा, आप आनंद करेंगे और आपको मम्मी पापा को बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद बैठकर पढ़ना शुरू कर देंगे। उसी दिन मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा और मैं चाहता हूं हर एक बच्चे के पास मैं पहुंचूं। कोई बच्चा अपने को कमजोर ना समझे, कोई बच्चा कमजोर नहीं है, हर बच्चे में स्किल है, हर बच्चा डिफरेंट है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। कोई पेड़ से पैदा होके विद्वान नहीं होता है, सब यहीं पर सीखते हैं, ठीक है। एडिशन को स्कूल से निकाल दिया गया था और उनके सर ने बोला कि एडिशन क्या है, बहुत गधा लड़का है और ये फेलियर है। लेकिन एडिशन क्या हुए? एडिशन आगे चल के क्या हुए? बहुत बड़े फिजिसिस्ट बने, जिन्होंने बल्ब की क्या की है, बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की है? एडिशन ने की है। कहां के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे, ठीक है। एडिशन, अच्छा केमिस्ट्री में समझ में आ गया, हमें लगता है फादर कौन है केमिस्ट्री के? कौन है? एंटोनियो लेवासिएर। एंटोनियो लेवासिएर है, एंटोनियो लेवासिए पढ़ते। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी पर आ जाते हैं, ये मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, आपको दिक्कत हुई तो क्या कर सकते हैं आप वीडियो को रोक सकते हैं, पास कर दें वीडियो को पास करके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। या वीडियो को आप बार बार सुनिए, दो तीन बार आप वीडियो को सुनेंगे क्या होगा, उससे क्या होगा आपका, आपको समझ में बातें आ जाएंगी, ओके। अब बायोलॉजी के हम फादर बता देते हैं।
इसका हम क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब बायोलॉजी के हम फादर बता दे रहे हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल कहते हैं इसको, या हिंदी में कहते हैं अरस्तु कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या पढ़ते हैं, अरिस्टोटल पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं अरस्तु। ये साइंस में इनका बहुत मेजर काम है, मतलब कंट्रीब्यूशन था, और बिफोर क्राइस्ट थे, बिफोर क्राइस्ट थे, अरस्तु जो थे ये क्या थे, बीसी में थे, बीसी मतलब क्या बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म लेने के पहले, ईसा मसीह के जन्म लेने के पहले के समय को क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म लेने के बाद के समय क्या कहते हैं, एडी कहते हैं, क्या कहते हैं, एडी, एडी मतलब क्या हुआ, आफ्टर डेथ, जैसे अभी क्या चल रहा है 2018 चल रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको बीसी कहेंगे, एडी कहेंगे, इसको एडी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, 2018 क्या, एडी, एडी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ईसा मसीह को मरे हुए कितने साल हो गए, 2018 साल हो गए, ईसा मसीह को मरे हुए कितने साल हो गए, जीसस को जो ईसाइयों के भगवान है नहीं, देखा होगा आपने ऐसे हाथ फैला रहता है, उस कील लगी रहती है, आपने देखा होगा उनको कील सूली पे लटका दिए, ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया ना, लटकाया गया, आपने देखा होगा किस कहां पे, चर्च वगैरह में या मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो ईसा मसीह को मरे हुए कितने साल हो गए, 2018 साल हो गए, ईसा मसीह की जब डेथ हुई थी उसके पहले समय क्या कहते हैं, उसके पहले समय कहते हैं बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और उसके बाद को समय क्या कहते हैं, आफ्टर डेथ बोलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आ जाता हूँ फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है, या उसको बोलते हैं अरिस्ट टोटल है, ठीक है। अब मैंने कहा बायोलॉजी की ब्रांच कितनी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या है, मैंने क्या बताया बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में होता है टू अंडरस्टैंड द लिविंग थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स में बेटा दोनों आ जाएगा ना, लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा, एनिमल्स भी आ जाएंगे और क्या आएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स में भी तो लिविंग है ना, वो भी लिविंग थिंग है ना, क्यों है, क्योंकि वो भी तो ग्रोथ कर रही है, है? एक छोटा पौधा आप लगाते हो, प्लांट लगाते हो, बढ़ के क्या हो जाता है, आप देखते हो 10 साल बाद 5 साल बाद क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता है, जबकि एनिमल्स क्या होते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, उनको ऐसा ईश्वर ने बनाया है, नेचर ने बनाया है कि दे कैन चेंज इट्स लोकेशन, बट प्लांट्स दे कैन नॉट चेंज इट्स लोकेशन, दे आर नॉट लोकलाइज्ड, मतलब दे आर स्टैटिक ओनली, दे आर स्टैटिक ओनली एट इट्स ए फिक्स पोजिशन, एंड ऑन बीइंग ऑन इट्स फिक्स पोजिशन दे ग्रोथ इटसेल्फ, वो खुद बढ़ते रहते हैं बाय टेकिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन द जूनियर क्लासेस यू हैव स्टडीड, छोटी क्लास में पढ़ा है कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफ्स मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं होता है, वो खाना कैसे पकाते हैं, वो खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पका लेते हैं अपना और खा लेते हैं और मौज करते हैं। अभी सोच लो अगर हम लोग पास फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं अगर हम लोग भी, तो हम लोग क्या, हम लोग को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या करते हैं हम लोग धूप में बैठ जाते और आधे घंटे के लिए बैठ जाते और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता और हमारा खाना पक जाता, हम खा लेते, लेकिन हमारे ईश्वर ने नेचर ने हमें ऐसा नहीं बनाया है, तो हम लोग क्या है, हम लोग डिपेंडेंट हैं, किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर हैं, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, एनिमल्स को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स कहा जाता है, और प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है, कंज्यूमर को भी बांटा गया कई भाग में, है कि नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है टर्शरी कंज्यूमर्स, अब उसमें भी बांट दिया गया क्या है, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स मतलब जो क्या है, घास फूस खाते हैं, जैसे बकरी वगैरह है ना, गाय भैंस बैल, ये सब क्या है, ये सब घास फूस खाते हैं, क्या हर्बीवोर्स हैं। फिर एक होते हैं क्या होते हैं, एक कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स मतलब जो मांस खाते हैं, जैसे कुत्ता है, शेर है, लोमड़ी है, सियार है, ये क्या है, ये सब मांस खाते हैं, इनको वो क्या बोलते हैं, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। फिर एक होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं वो, जो मतलब शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है
वो मांस भी खा सकता है और मतलब वो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो इंसान को क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या है, इंसान क्या है, वो ओमी बोर्स है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो मैं अब बता देता हूं आपको बायोलॉजी की ब्रांच। तो बायोलॉजी की ब्रांच कितनी है, इसको बोलते हैं जूलॉजी, एक को बोलते हैं जूलॉजी। जू मतलब क्या होता है, जू माने आपने पढ़ा होगा जू गए हैं, जू माने क्या चिड़ियाघर गए हैं, लॉजी माने अध्ययन करना। तो चिड़ियाघर में कौन रहता है, चिड़ियाघर में क्या कौन रहता है, एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं ना, चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं। तो जानवरों का अध्ययन करना, जानवरों के बारे में जानकारी लेना ही क्या है, जूलॉजी है, राइट। अब इसके फादर कौन है, इसके फादर वही है, अरिस्टोटल ही है। जूलॉजी फादर कौन है, कौन है, अरिस्टोटल है। कौन है, अरिस्टोटल, या जिसको मैंने बताया था अरस्तु है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। किसके हैं ये फादर, इसके फादर है, इसके फादर है, ये किसके फादर है, जूलॉजी के फादर है। और दूसरा इसकी इसी ब्रांच क्या है, बॉटनी, बॉटनी है, ठीक है। बॉटनी मतलब क्या हुआ, बॉटनी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट क्या, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जानकारी लेना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बॉटनी कहते हैं। अब इसके फादर कौन है, इसके फादर कौन है, इसके फादर है थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, हिंदी में कह सकते हैं इसको ऐसे, थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस क्या है, थियोफ्रस्टस क्या है, थियोफ्रस्टस क्या है, एक फादर है, किसके फादर है, बॉटनी के हैं, हिंदी में कहते हैं जनक हैं। मतलब पहले, सबसे पहले प्लांट्स की स्टडी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थियोफ्रस्टस ने बताया था। तो मैंने आपको बता दिया पूरा, इस साइंस की मैंने ब्रांच बता दिया, क्या बताया, फिजिक्स बताया। फिजिक्स के फादर कौन है, मेनली न्यूटन है, ठीक है। और न्यूटन क्या है, न्यूटन किसके फादर है, ओल्ड फिजिक्स के फादर है। जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके फादर कौन है, आइंस्टाइन है। फिर केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री फादर मैंने आपको बताया एंटोनियो लेवासियर है। एंटोनियो लेवासियर जो है किसके फादर है, केमिस्ट्री के है। मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ इन विच स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस, जिसमें केमिकल के बारे में और केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया, बायोलॉजी बताया। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब क्या होता है, टू स्टडी अबाउट लिविंग्स, जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, उसके बारे में स्टडी करने की ब्रांच को क्या कहते हैं, साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी क्या हुआ, बायोलॉजी फादर कौन है, अरिस्टोटल है, मैंने बताया ना, हिंदी बोलते हैं अरस्तु। फिर बायोलॉजी को दो भाग में बांट दिया, किसमें, जूलॉजी में बांट दिया। जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। तो जूलॉजी मतलब चिड़ियाघर का अध्ययन करना, मतलब चिड़ियाघर में कौन रहता है, जानवर रहते हैं। तो जानवरों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल ही है, राइट। अब फिर कौन आ गया, क्या आ गया, बॉटनी आ गया, बॉटनी आ गया। बॉटनी फादर कौन है, मैंने बताया बॉटनी मतलब टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। प्लांट्स के बारे में स्टडी करने क्या कहते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करने क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी के फादर कौन है, बॉटनी फादर थियोफ्रस्टस है। कौन है, थियोफ्रस्टस है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने एक ओवरव्यू दिया साइंस को क्या करने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपको जैसे मजा आए। उसके बाद मैं चैप्टर पे आ जाऊंगा और 27 मार्च को, मतलब 27 मार्च 2018 को मैं चैप्टर की बात करूंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है क्लास 8th में साइंस में क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन है। क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उत्पादन। फसल उत्पादन मतलब फसल का उत्पादन। देखिए वीडियो क्या है,